हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर बेंद्रेता। दोस्तों, पोस्टर आया है 40-45 मिनट पहले। अजय देवगन ने भाई साहब सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया है और पोस्टर ना एकदम फायर है, टोटल फायर। दिस दिवाली द रोर विल बी लाउडर देन फायर, उनका कैप्शन ही जबरदस्त है। और अगर पोस्टर की डिटेलिंग में जाओगे ना, वहां आपको पता लगेगा क्या जबरदस्त भाई साहब इस पोस्टर के ऊपर जो कारीगरी की गई है ना, वो बहुत फाड़ू है। इसकी जो डिजाइनिंग है वो बहुत जबरदस्त है। अजय देवगन जिसका हल्का सा लुड़वा दिख रहा है, जो उन्होंने छाती पर टैटू बनाया हुआ है ना, और वो जिस तरीके से रोर कर रहे हैं ऐसे, और वो जो साइडों से लाइन निकल रहे हैं वो कितने जबरदस्त है। अगर काउंट करोगे ना तो 6 हैं, और आसपास जो बैकग्राउंड है ना वो बहुत जबरदस्त है। पोस्टर अपने आप में ही बयां कर रहा है कि ये दिवाली ना सिंघम वाली होने वाली है। उम्मीद थी सुबह से कि कुछ ना कुछ सिंघम की तरफ से आएगा, कुछ आएगा, बट आज जो इन्होंने ये शेयर किया है ना, ये पोस्टर बहुत जबरदस्त पोस्टर है। और ऐसे और बहुत पोस्टर आने हैं। देखो, ट्रेलर जब आया था ना तो बहुत से लोग बोल रहे थे जो मेन एक्टर है उसको तो कुछ करवाया ही नहीं, सारे ही सारे एक्शन जो है कैमियो जो है ना वही परफॉर्म कर रहे हैं। तो यही तो रोहित शेट्टी की गेम है, बोल रहे ना 5 मिनट का पूरा ट्रेलर दिखा दिया, सारी पिक्चर की स्टोरी पता लग गई। असली चीज तो रोहित शेट्टी ने छुपा कर रखी है। जो मेन बाजीराव सिंघम है उसको तो अभी रोर करते हुए दिखाया ही नहीं है, वो रोर करेगा सीधा थिएटर के अंदर। और आज जब मैं भाई साहब सुबह जिगरा देखने गया था ना, उसके बाद विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, दोनों के साथ सिंघम का ट्रेलर आया था, और सिंघम अगेन का ट्रेलर बड़े पर्दे के ऊपर अलग ही वाइब दे रहा है। जो अपर वाला शॉट दिखाया है ना, वो जो राम सेतु वाला, वो जो हेलीकॉप्टर्स वाले शॉट है, और वो जो राउंड राउंड कार घूमती है और ऊपर से अक्षय कुमार की एंट्री, वो सारे के सारे सीन्स जो है ना, वो सारे के सारे जो एक्शन पीसीज है ना, वो बड़े स्क्रीन के ऊपर अलग ही वाइब दे रहे हैं। मजा आ गया देखने में। सोचो पूरी फिल्म क्या देगी वाइब। पर ये पोस्टर, मैं सच बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त पोस्टर काटा है। ये पोस्टर अगर पहले आ जाता ना तो बात ही अलग हो जाती, पर लेट आए कोई दिक्कत नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। पर ये पोस्टर बहुत जबरदस्त पोस्टर लगा मुझे। आप बताओ कैसा लगा। अगर मोशन पोस्टर होता तो और ही अलग बवाल मच जाता। सिंघम के बैकग्राउंड के साथ इस मोशन पोस्टर को अगर रिलीज कर देते ना तो बता रहा हूं सोशल मीडिया फट जाता। पर ये पोस्टर अकेले आया है, पर ऐसी तूफान और आंधी लेकर आया ना जो देखने में मजा आ रहा है। आप बताओ कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।